और आज हम बात करने वाले हैं कल्कि के बारे में। भाई ये जब मूवी आई तो लोग बाग इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो उम्मीदें पहले से ही लगाए हुए बैठे थे, लेकिन इसके कलेक्शन का अभी तक पैसा समेटा ही जा रहा है और ये समझ लीजिए कि पैसों का अंबार लगना बाकी है। लेकिन यहां पर पैसों का ढेर एक साइड में लग रहा है और बॉलीवुड में जो नाम कमाना था पूरी इंडिया के अंदर, प्रभास ने वो नाम कमा लिया है। लेकिन इसी के साथ में प्रभास के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, इसका पार्ट टू अनाउंसमेंट हो चुका है। भाई इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, पार्ट टू सच में अनाउंसमेंट हो चुका है इसका। और तो और मैं आपको और ज्यादा सरप्राइज ना करते हुए बता देता हूँ, इसके पार्ट टू की 60% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, 40% बची है जिसे कंप्लीट होने के बाद में इसमें VFX का काम किया जाएगा। ये साफ साफ रिवील कर दिया गया है। किसने किया है? इस मूवी के प्रोड्यूसर ने। अब समझ लीजिए यार, प्रोड्यूसर बोल रहा है तो इस मूवी का 60% काम कंप्लीट हो चुका है, तो इस मूवी में क्या बचा है यार। मूवी जो है आपको देखने के लिए जल्दी ही मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया है। हालांकि आप लोगों को हिंट देकर रिवील नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर इस मूवी को संडे में देखने जा रहे हो तो भाई आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज बाकी है। और इस मूवी को अगर देखते हो तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है कि इस मूवी का पार्ट टू कितना जरूरी है। और इस मूवी के पार्ट वन को लेकर जो खबरें फैलाई जा रही थी कि इस मूवी का हाफ पार्ट तक अगर आप देखोगे यानी कि इंटरवल तक, तो ऐसा लगेगा यार ये जो थिएटर है ना यहाँ पर मैं बैठा हूँ, सीट छोड़कर भाग जाऊँ। लेकिन वहीं पर अगर आप इंटरवल तक खुद को संभाल कर बैठ जाते हो और वेट करते हो सेकंड पार्ट का यानी कि इंटरवल के बाद का, तो ऐसा लगता है भाई इस चीज के लिए तो ये सिनेमा बना है। जो हम इंजॉयमेंट के लिए थिएटर में आते हैं इसी चीज का तो वेट करते रहते हैं, कब ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। क्योंकि यही सारी इंडियन माइथोलॉजी के साथ का जो कनेक्ट करके इस मूवी को जो बनाया गया है और प्रभास को जिस एक्शन रूप में दिखाया गया है, साथ में अमिताभ बच्चन का जो दमदार इतने बुढ़ापे में होने के बावजूद भी, और एक छोटे छोटे जो कैमियो बीच बीच में दिखाए जा रहे हैं, भाई उन किसी का हर एक का मतलब है। छोटे छोटे कैमियो जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, एक एक का कनेक्शन निकलने वाला है। कल्कि सिनेमेटिक यूनिवर्स बनकर तैयार हो चुका है, बस इस पर मोहर लगने वाली है इसकी नेक्स्ट मूवी आते ही। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट इसका बचा है आना, लेकिन हाँ ये 100% कंफर्म हो चुका है कि इसका सेकंड पार्ट टू भी कंप्लीट होने वाला है। इस मूवी के जो एक्टर हैं कमल हसन, उन्होंने पहले ही बोल दिया है, रिवील कर दिया है कि इन्होंने जो साइन किया था मूवी को सेकंड पार्ट के लिए किया था, ना कि पहली वाली के लिए। अब सेकंड पार्ट की शूटिंग तो समझ लो अभी शुरू हो चुकी है और वो अपना काम कर रहे हैं, तो इस मूवी के लिए सोचो इतनी ज्यादा ऑडियंस इतनी पागल हुई जा रही है तो सेकंड पार्ट के लिए कितनी ज्यादा पागल हो जाएगी। 1000 करोड़ तो भाई इन्होंने सेकंड वीक में ही कमा दिया, और बाकी आप अगली मूवी के लिए सोच लीजिए कि इसका सेकंड पार्ट आएगा तो वो तो क्या जो है बिल्कुल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाला है। हालांकि इंडिया में अब ऐसी मूवियां बनना बड़ी आम बात हो जाएगी, क्योंकि ये नाग अश्विन जो है इतना बड़ा कलाकार आदमी निकला कि पूरी दुनिया में इसने डंका बजा देगा। क्योंकि अगर कोई अंग्रेज भी हमारी मूवी को देखेगा बैठकर तो ऐसा उससे कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं हॉलीवुड की ही मूवी देख रहा हूँ। जिस तरह के VFX का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है और जो सिनेमेटोग्राफी यहाँ पर यूज हो रही है, और 3D में जब मूवी आप देखने जाओगे तो वाकई में हर चीज़ को फील करोगे, महसूस करोगे, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री को आज तक किसी ने इससे बेहतर नहीं दिखाया। और वही काम हमारे नाग अश्विन कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में क्या धमाल मचाने वाले हैं इस चीज़ को आप खुद देख लीजिए। बाकी यार अभी आप पीछे क्यों हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बारे में और अपडेट आपको लेकर आते हैं। चैनल के साथ में जुड़े रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।